अभी बारिश का मौसम ना स्टार्ट हो गया है, इसमें जो है ना हमारे घर की परेशानियां जो अलग से एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब होने लगती है। आज कुछ ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स लाए हैं दोस्तों, जो कि बारिश के मौसम बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो जान जरूर कीजिएगा, हमेशा की तरह लाइक करते हैं तो लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। पहली जो टिप्स है दोस्तों, हम लोग इस तरीके से दाल चावल बना मिक्स करके बनाते हैं। जब खिचड़ी बनाते हैं तो इस तरीके से मिक्स करके ही इसे धोते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब ये धोते हैं तब देखिए इसका पानी जो है कितना ज़्यादा गंदा होता है, मतलब कि कितना ज़्यादा इसका पानी जो है देखने में हमें गंदा लगता है। दाल और चावल के पानी जो है ना इतने ज़्यादा इसमें गुण होते हैं कि अगर आप ऐसे ही अगर इस पानी को फेंक देते हो तो बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हो आप। इसको देखिए मैंने इसे धो दिया है, पहला पानी देखिए इसका कितना ज़्यादा गंदा हुआ है। अभी जो पानी है ना तो दाल और चावल दोनों का है, ठीक है। अब इसमें जो ना आप अगर इस पानी को आप अपने पौधों में डालते हो ना तो उसकी बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ होती है, बहुत ही अच्छे से उसे फर्टिलाइज़र का एक जैसा उसको खाद का काम करता है, उसको ग्रोथ होने में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करता है। देखिए ये पानी जो है ना एक तरह से फर्टिलाइज़र का काम करता है। बारिशों के दिनों में क्या होता है, हमारे जो फर्नीचर वगैरह है ना उसमें जो है नमी सी आ जाती है और ये जो है ना थोड़ा फूलने लगता है, इसमें भी देखिए फफूंदी वगैरह जो पकड़ने लगती है। इसकी वजह से होता क्या है, कभी कभी तो इसके गेट वगैरह भी नहीं लग पाते हैं क्योंकि नमी होने की वजह से फूल जाते हैं या फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं। इस तरीके जो फर्नीचर है ना इसमें भी बारिश का असर बहुत ही ज़्यादा होता है, देखा होगा आप लोगों ने। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, जिससे कि हमारे जो फर्नीचर हमेशा चमकते रहें, इस पर सीलन वगैरह का असर ना पड़े, तो बहुत ही इजी सा तरीका है। आप ये तरीका ज़रूर अपनाइए, अपना लेंगे तो आपको जो है बारिशों में कोई परेशानियाँ नहीं होगी, आपके फर्नीचर जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना, एक एक तरीके से एक पुराना कपड़ा को भी ले लीजिए सॉफ्ट वाला। अब क्या करना है दोस्तों, कपड़े पे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सरसों का तेल। इस तरीके से हमें ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, बहुत ही कम मात्रा में लेना है। अब देखिए दोस्तों इसे अच्छे से हमें कपड़े पे लगा लेनी। अब हमारे जितने भी फर्नीचर हैं ना घर के उन सबको अच्छे से इस तरीके से आपको बस जैसे हम लोग की धूल वगैरह झाड़ है ना उस तरीके से इसे हमें पोंछ देना है। इससे क्या होगा कि इससे कोटिंग हो जाएगी और ये जो है ना हमारे बारिशों के लिए इस पे जो है बिल्कुल भी असर नहीं होगा, सीलन वगैरह नहीं पकड़ेगी और जो फर्नीचर होते हैं उस पे कोई असर नहीं होगा बारिशों का। तो देखिए तेल ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल नाम मात्र का लेना है। अगर कम लगता है तो थोड़ा बहुत बूंद बूंद करके लीजिए, ज़्यादा नहीं लीजिए। इस तरीके से हमारे सोफ़ा वगैरह होते हैं ना इसकी भी आप इस तरीके से एक कोटिंग कर दीजिए, इस तरीके से पोछा की तरह। देखिएगा फर्नीचर पे कोई भी सीलन का असर नहीं होगा। अच्छा दोस्तों बारिशों में एक प्रॉब्लम और होती है हमारे गेट के साथ, ये जो है ना अच्छा दोस्तों बारिशों में एक प्रॉब्लम और होती है हमारे गेट के साथ, ये जल्दी लगते नहीं है। मेरे तो ठीक से लग रहे हैं लेकिन कोई कोई जो कोई कोई ऐसे गट होते हैं किसी किसी के जो है ना ये फूल जाते हैं या ये अच्छे से लगते नहीं है, इसे खींचना पड़ता है। इसमें लगाने से ना इसमें जो है ना इसके हैंडल में बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है ना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बारिशों में इन सब छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हो ना तो आपके गेट वगैरह कभी भी ख़राब नहीं हो। यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है सरसों का तेल, कुछ भी नहीं, बहुत ही फ्री का इलाज है, बट बहुत ही केयर हो जाता है हमारे घरों के और गेट वगैरह बहुत ही अच्छे से सेट होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा तेल की ग्रीसिंग कर देनी, इससे क्या होगा कि इसमें जो नमी हो जाती है बारिशों में जंग वगैरह लगने की समस्या होती है ना, इसकी वजह से आवाज़ बहुत ही ज़्यादा करने लगता है गेट। देखिए कितने ज़्यादा ये स्मूथ हो गया है। इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। तो अब बारी आती है यहाँ हैंडल का, तो हमने ठीक कर दिया। अब इसकी जो बारी होती है यहाँ से जो है ना बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ाहट होता है, इसमें भी जो है ना आवाज़ होती है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसे भी आप ठीक करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे ठीक करने के लिए हम मैं ले रही हूँ यहाँ पे वेसलिन। वेसलिन हर किसी के घर में मिल जाता है बड़े ही आराम से और बहुत ही इजी तरीके से। इस तरीके से हमें इस पर अप्लाई कर देना है, ये देखिए एक कोटिंग सी कर देनी, क्योंकि इसमें भी जंग वगैरह का गेट पुरानी हो गया ना तो जंग वगैरह लग जाती है और ये भी खराब
खराब होने लगता है, कड़कड़ाने लगता है। इस तरीके से हमने लगा दिया है। अब इसे क्या करना है दोस्तों, इसे इस तरीके से गेट को आगे पीछे कीजिए, ताकि जो हमने क्रीम लगाया है इसमें, बेसिन लगाया है, वो अच्छे से इसमें पकड़ ले, अंदर तक चला जाए। देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, इसकी ग्रीसिंग भी बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। तो बारिशों में इन सब छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हो ना, तो हमारे घर के जो गेट वगैरह हैं वो भी कभी भी ख़राब नहीं होंगे। होप करती हूँ ट्रिक पसंद आई हो। दोस्तों मेरी अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स, वो है इस तरीके से मिर्ची सिलेटर। अक्सर क्या होता है, मिर्ची तो हमें खाने में रोज़ यूज करना ही होता है, लेकिन दोस्तों जब इसे हम कट करते हैं ना इस तरीके से, तो हमारे हाथों में जलन शुरू हो जाती है। किसी किसी के हाथों में इतनी ज़्यादा जलन होती है कि उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको भी लगता है कि आपको हाथ में मिर्ची काटने से बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप मिर्ची काटने से पहले इस तरीके से अपने हाथों पे जो है सरसों का तेल लगा लीजिए, ठीक है। इससे जो है ना आपको मिर्ची काटने से कोई असर नहीं चढ़ेगा, और बहुत ही अच्छी से जितनी चाहे उतनी मिर्चियाँ आप कट कर सकते हो बड़े ही आराम से। ये देखिए कोई भी असर नहीं होता है। कोशिश कीजिए कि जितना दूर हो सके हाथों के कांटेक्ट के दूर से ही आप मिर्ची कट कीजिए, तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए अगर आप इस तरीके से भी काटते हो ना, तो कोई असर नहीं होगा सरसों का तेल लगा लेने से। ये तो हो गया अगर आपने पहले से प्रोटेक्शन ले लिया, तो अगर आपने ऐसे ही मिर्ची कट कर लिया है, हाथों में जलन हो रही है, तब उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लेना है आपको कच्चा दूध। कच्चा दूध अगर फ्रिज में रखा हुआ ठंडा है तब तो और भी ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं तो ऐसे भी ऐसा मौसम चल रहा है ना अभी बारिशों का, कैसे भी दूध जो है ठंडा ही लगेगा। नॉर्मल जो दूध ऐसे ही भी रखेंगे तो वो दूध जो है ठंडा ही रहता है। अगर बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा है कच्ची मिर्ची की वजह से या मिर्ची पाउडर की वजह से, तब आप उस स्थिति में क्या कीजिए, इस तरीके से दूध को लेना है, हाथों पे मल लेना। अगर फिर भी लग रहा है कि जलन अभी और भी है, तो जब ये सूख जाता है ये दूध का लेयर, तो फिर से आप लीजिए एंड फिर से आप अप्लाई करिए। इस तरीके से 2 या 3 बार करते हो ना, देखिए कि आपके हाथों से जलन जो है बहुत ही जल्दी वो ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये तरीका आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। दूध अगर ठंडा कच्चा नहीं है तो आप ठंडा दूध भी ले सकते हो, गर्म जो किया हुआ है वो भी दूध ले सकते हो, फ्रिज में रखा हुआ है तो और भी बेटर होगा। तो ये तरीका अपना के आप अपने हाथों की जलन को बहुत ही जल्दी कम कर सकते हो। होप करती हूँ ट्रिक पसंद आई हो। दोस्तों अगली जो टिप्स है वो है इस तरीके से, जब भी हम लोग दही जमाते हैं ना, अभी बारिशों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, इस स्थिति में क्या होता है, दही जो है जल्दी जमती नहीं। गर्मी में बहुत ही अच्छी दही जम जाती है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जामन के साथ साथ आपको यहाँ पे छोटी सी ट्रिक करनी है। जामन तो डालना ही है दोस्तों, साथ में इस तरीके से जो डंठल वाले मिर्ची होते हैं ना, ये 2 या 3 इस तरीके से ज़रूर डाल दीजिए। इससे अगर आपकी दही जो है देर में जमती है, वो भी बहुत ही अच्छे से सेट होकर के जमेगी, और बिल्कुल गारंटी है कि आपकी दही जो है एक बार में ही जम जाएगी। इस तरीके से ज़रूर डाल दीजिए मिर्ची को, एंड देन जब जम जाती है ना, तब आप मिर्ची को निकाल के हटा दीजिए। तो चलिए।